बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब कैरियर होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप सबका वेलकम करता हूं अपनी नेटवर्क मार्केटिंग की एक्सपर्ट सीरीज के एपिसोड नंबर 15 के अंदर। आज के एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता चलूं कि इट्स नॉट अबाउट कंपनी प्लान। मीन्स आपकी ही कंपनी के अंदर काफ़ी ऐसे लोग हैं, हज़ारों की तादाद में हैं, लाखों की तादाद में ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो आपकी ही कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। उन्हें भी वही चीज़ें सेम पता है, मीन्स उन्हें के पास भी वही कंपनी की प्रोफाइल है, वही प्लान है, वही प्रोडक्ट है, ठीक है। लेकिन काफ़ी सारे लोग आप ऐसे देखते हैं कि जो आपकी क्रॉस लाइंस में से हैं या आप लोगों की डाउन लाइंस में से हैं या आप लोगों के सीनियर्स हैं, ठीक है। आप लोग काफ़ी सारे लोगों को नोट करते हैं कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि जो बहुत ज़्यादा सख्त मेहनत करते हैं, ठीक है, अपने पर्सन को प्रॉपर टाइम देते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा सरखपाई करते हैं, देन उनके साथ जो है ना वो प्रॉपर टीम बनती है, लोग उनके साथ अटैच होते हैं, ठीक है। लेकिन काफ़ी ऐसे लोग ऐसे भी हैं कि जो लोगों को इजीली जो है ना वो अपने साथ अटैच कर लेते हैं, इजीली अपनी टीम का पार्ट बना लेते हैं, ठीक है। काफ़ी ऐसे लोग भी हैं जो काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करते हैं लेकिन उनको उसका रिवार्ड नहीं मिलता, ठीक है। मींस उनके साथ प्रॉपर टीम नहीं बनती। उसकी बेसिक वजह क्या है, ठीक है? उसकी बेसिक वजह यह है कि आपका जो मैसेज कन्वे करने का अंदाज है, ठीक है, यानी आप अपने प्रोस्पेक्ट तक कैसे अपने मैसेज को कन्वे कर रहे हैं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। यानी आप जो भी अपनी कंपनी के साथ वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है, आप उसका जो प्लान है कंपनी का, जिससे वो पर्सन की लाइफ चेंज हो सकती है, ठीक है, जिससे पर जो है ना वो कंपनी के साथ स्टार्टअप ले सकता है, आप उसकी कोई हाइप क्रिएट करते हो, कोई वैल्यू क्रिएट करते हो या नहीं करते, ये चीज मैटर करती है। मींस काफी ऐसे लोग भी हैं जो बिल्कुल सिंपल वे में जो है ना वो ट्रेनिंग पर्सन की करवाते हैं, ठीक है, देन उसके बाद उनको प्रॉपर पहले प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान क्लियर करते हैं, ठीक है, देन उसके बाद कहते हैं सिंपल तरीके से कि आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब वो बिल्कुल भी अपने प्लान की हाइप क्रिएट नहीं करते, वैल्यू क्रिएट नहीं करते, जिसकी वजह से आगे वाला पर्सन ये चीज़ समझता है कि यार सिंपल तरीके से ये चीज़ समझाएगी है, अब पता नहीं इससे वाकई मुझे मेरी लाइफ चेंज हो सकती है कि नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन वैल्यू क्रिएट करने का मीन्स असल मकसद क्या है? अब वैल्यू क्रिएट अगर आपको करनी नहीं आती, ठीक है, या आपको हाइप क्रिएट नहीं करनी आती, या आपको नहीं पता कि वैल्यू क्रिएट कैसे करते हैं प्लान की, तो लास्ट वाली जो प्रॉपर सीरीज बनाएगी है ना, ये नेटवर्क मार्केटिंग की एक्सपर्ट सीरीज, ये आप सबके लिए इसीलिए बनाई है कि इसके अंदर प्रॉपर नॉलेज दिया गया, ठीक है, हर चीज को स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया, कैसे आप लोग जो है ना वो अपने पर्सन को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो है ना वो क्लोजिंग तक अपनी टीम का पार्ट कैसे बना सकते हैं। उसके अंदर जो भी आपके पास जो ऑब्जेक्शन वगैरह आते हैं या जो भी आपके क्वेश्चन है उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें क्लियर की गई हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आप सबको बार बार कह रहा हूं कि जो भी पर्सन जो है ना वो स्टार्टिंग के अंदर यानी फर्स्ट टाइम इस वीडियो पे आया, ठीक है, तो उसको मैं ये एडवाइस करूंगा कि वो प्रॉपर पहले सीरीज को प्रॉपर सीक्वेंस वाइज देखें, ठीक है। मैं ये चीज जो है ना वो गारंटी से कह सकता हूं कि जो भी पर्सन इस सीरीज को जो भी लॉन्च कर रहा हूं, ठीक है, इसको प्रॉपर सीक्वेंस वाइज देख ले, यानी 1 2 3 4 करके देख लेगा ना, तो उस बंदे को इस बिजनेस के अंदर ग्रो करने से कोई बंदा नहीं रोक सकता, ठीक है। अब बात है कि ये नहीं मैं कह रहा कि वो सिर्फ इसको देख ले सुन ले तो वो ग्रो कर लेगा, ठीक है, उसको रिजल्ट लाने के लिए इंप्लीमेंट भी उसको करना पड़ेगा, ठीक है। बार बार इंप्लीमेंट करेगा उससे रिजल्ट्स आएंगे, देन उसकी प्रॉपर टीम बनेगी, वर्किंग करेगा, स्ट्रगल करेगा, देन ठीक है बैठे बैठे नहीं, ठीक है। तो इसलिए आप ये सारी सीरीज को सीक्वेंस वाइज देखें, देन उसे इंप्लीमेंट करें, ठीक है। उसके बाद वैल्यू क्रिएट करने का आपको ऑटोमेटिकली अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू क्रिएट करने की जो एग्जाम्पल है वो कैसे है, वैल्यू क्यों क्रिएट करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी ब्रांड पे जाते हैं या कोई भी दुकान पे जाते हैं जहां से आप लोगों ने जो है ना वो अपने लिए शॉपिंग करनी है, मीन्स आपने कुछ कपड़े बाय करने हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सूट पहना हुआ है, ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ किसी भी दुकान पे, वहां पे ये सूट लेने के लिए जाता हूँ, वहां पे ये सूट लटका हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब वो पर्सन, मैं काफी सारे सूट्स डिफरेंट देख रहा हूँ, ठीक है, ये भी सूट है, ये भी सूट है, ये भी सूट है। अब वो बंदे के पास कोई ऐसा सूट पड़ा हुआ है जो काफी देर से बिका नहीं है, ठीक है। अब वो बंदा उस चीज़ की हाइप क्रिएट कैसे करेगा, उसकी वैल्यू क्रिएट कैसे करके उसको सेल करेगा, ठीक है, उसकी प्रॉपर प्लानिंग क्या होगी, वो मुझे ये चीज़ कहेगा कि सर आप ये चीज़ देख रहे हैं, ठीक है, मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाता हूँ, एक ऐसा सूट दिखाता हूँ जो बाहर से आया हुआ है, ठीक है, और उसको बनाने के अंदर उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, वो बाहर से आया हुआ है, ठीक है, उसको बनाने के अंदर भी काफ़ी दिन लगे थे, उसका डिज़ाइन भी जो है ना वो इन सबसे मुख्तलिफ है, भला वो चीज़ उससे अच्छी हो या ना हो लेकिन उसने उसकी वैल्यू क्रिएट कर दी। अब भला मुझे उसे लेना है या नहीं लेना, लेकिन मेरे माइंड में ये चीज़ आएगी कि यार चलो लेना या ना लेना तो बात की बात है, लेकिन मैं उसे देख तो लूं, ठीक है। अब वो पर्सन को मैं कहूंगा कि सर आप मुझे काइंडली वो चीज दिखा दें, वो सूट दिखा दें, वो बंदा मुझे वो सूट दिखाएगा, ठीक है। अब उसने जितनी उसकी वैल्यू क्रिएट कर दी हुई थी ना कि ये बाहर से आया है, इसकी स्टिचिंग बहुत अच्छी है, ठीक है, इसकी सिलाई बहुत अच्छी हुई है, यानी इसके ऊपर जो कढ़ाई हुई है वो बहुत कमाल की है, इसका कलर बहुत कमाल का है, इसके अंदर जो इसका कपड़ा है वो बहुत कमाल का, ठीक है। अब मेरे माइंड में ना उसकी एक बहुत ही अच्छी जो है ना वो एक व्यू क्रिएट हो गया कि यार मुझे ये चीज़ अपने लिए बाय करनी, ठीक है। देन वो कहता है कि सर आप इसे कल ही ट्राई करें, ठीक है। अब मैं उसे ट्राई करता हूँ, ठीक है। जब मैं ट्राई करके मीन्स जब उसे मैं पहन के बाय आता हूँ तो वो बंदा कहता है आगे से, सर ये सूट के अंदर आप जच रहे हैं,
मीन्स कमाल लग रहे हैं, ठीक है। मीन्स कोई भी आपको जो है ना वो हर पर्सन आपकी तरफ देखा है कि आपका जो है ना वो आपने अलग ही डिजाइन का सूट पहना होगा, ठीक है। अब वो बंदा मेरे माइंड में एक ऐसी चीजें जो है ना वो ले आएगा कि जिससे मैं देखूंगा, आप जाहिर बात है कोई भी बंदा कोई भी चीज लेता है, फॉर एग्जाम्पल आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, आप अपनी तरफ से वही चीज लेते हैं, यानी जो आप लगता है कि ये मेरे ऊपर अच्छी लगेगी, मुझ पर जचेगी, ठीक है। अब काफी सारे लोग मेरी तरफ देखेंगे, मीन्स उनको पता चलेगा कि यार बहुत अच्छा सूट इसने पहना है, ब्रांड का पहना हुआ, ठीक है, या इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसका डिजाइन बहुत अच्छा, ठीक है। जाहिर बंदा कि हर बंदा कोई ना कोई काम अगर कर रहा है, ठीक है, अब वो ये चीज कहता है कि या ये चीज जो है ना वो अपने माइंड में रखता है कि मैं इसे अच्छा लगूं, ठीक है। अब हाइप क्रिएट हुई होगी उस चीज की तो अच्छी लगेगी ना, ठीक है। अब वो बंदा उसकी जो है ना वो हाइप क्रिएट करता है, वो चीज भला महंगी भी होगी ना थोड़ी, लेकिन मैं उसे ले लूंगा, ठीक है, क्योंकि उसका इमेज मेरी माइंड में जो है ना वो अच्छा बन गया, उसकी एक वैल्यू क्रिएट कर दी उस बंदे ने, ठीक है। अब यही लाइन जो उसने मुझे बोली है, ठीक है, यही लाइन वो दिन में हजारों कस्टमर्स को बोल रहा है, हजारों बंदों को बोल रहा है, ठीक है, ये उनकी प्रॉपर एक प्लानिंग है, ठीक है। इसी तरह आपने भी अपने प्रॉपर प्लान की जो है ना वो प्रॉपर वैल्यू क्रिएट करनी है, अपने पर्सन को प्रोस्पेक्ट को जो है ना वो इतना उसकी अपने प्लान की वैल्यू क्रिएट कर देने कि उनको जो उसकी अमाउंट है ना स्टार्टअप की, ठीक है, तो वो उनको बिल्कुल छोटी सी लगने लग पड़े, ठीक है। तो इस तरह जो है ना उसके अलावा आपने पर्सन की नीड को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, यानी पर्सन क्या चाहता है, ठीक है। आपने उसकी ट्रेनिंग के दौरान ही जो है ना वो उसके साथ बाउंडिंग बना के कुछ बातें उसके साथ अपनी शेयर करनी है, ठीक है, देन उसके बाद ज्यादा चांस देना है उसको बोलने का, ठीक है। देन वो जब बार बार आपके साथ बात करेगा, ठीक है, आप उसकी नीड को आइडेंटिफाई करोगे कि यार इस बंदे को अपनी लाइफ के अंदर क्या चीज चाहिए, ठीक है, यानी वो पर्सन आपसे 100 बातें शेयर कर सकते हैं कि यार मेरा अपनी लाइफ के अंदर ये ड्रीम है, या मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है, ठीक है, या मुझे लव मैरिज करनी है, उसके लिए मुझे जो है ना वो काफी सारे फाइनेंशियल फ्रीडम मुझे चाहिए, ठीक है, मुझे टाइम फ्रीडम चाहिए, ठीक है, या मुझे कोई ऐसा काम करना है जिसकी वजह से जो है ना वो मुझे ये ना हो कि मैं जो है कहीं आउटिंग पे जाना पड़े, या मुझे वर्ल्ड टूर का शौक है, ठीक है, तो मैं वो काम ना कर सकूं, ठीक है, तो मुझे ऐसा काम चाहिए जिसके जरिए जो है मैं वर्ल्ड टूर कर सकूं, ठीक है, और मुझे भी कोई भी पाबंदी ना हो कि मुझे काम करूंगा तो मुझे पैसे आएंगे, काम नहीं करूंगा तो पैसे नहीं आएंगे, ठीक है, यानी मैं अपनी प्रॉपर टीम बनाना चाहता हूं, ठीक है। अब जब आप उसकी नीड को आइडेंटिफाई कर लोगे, ठीक है, देन आपको उसको अपनी टीम के अंदर लेकर आना, यानी आपके पास ना एक पॉइंट आ गया जिसकी वजह से आप उसे बार बार उस चीज को रिमेंबर करवा सकते हैं कि यार ये पॉइंट है, ये वजह है, ये ड्रीम तो ऐसा है जिसको तूने जो है ना फुलफिल करना है, ठीक है। अब जब वो प्रॉपर आपकी प्लान ले लेगा, ठीक है, देन उसके बाद उसको सुन लेगा, अब आपने हाइप क्रिएट की होगी, वैल्यू क्रिएट की होगी, जाहिर बात है वो बंदा आपके स्टेटस के थ्रू भी आपके साथ अटैच है, ठीक है, भला वो आपके इंस्टाग्राम के थ्रू अटैच है, भला व्हाट्सएप के थ्रू अटैच है, अब वो बंदा डेली बेसिस पे आपको देख रहा है, आप जो भी स्टेटस लगा रहे हो वो मोटिवेशनल है, या जो भी अपने बिजनेस के रिलेटेड लगा रहे हो डेली बेसिस पे, हमारे बिजनेस के अंदर ये लोग आ रहे हैं, इनकी ये अर्निंग है, अब वो बंदा देख रहा है कि यार इसकी वजह से जो है ना, इस प्लान की वजह से इतने सारे लोगों की जिंदगी बदल रही है, तो मेरी भी जारी बात है बदल सकती है अगर मैं मेहनत करूं तो, ठीक है। अब वो जब स्टेप लेने के लिए जो है ना वो सोचेगा नहीं, मीन्स अपने हमने जो है ना वो पर्सन के, अब कोई भी पर्सन है, ठीक है, वो उसके पास जो है ना वो दो ही माइंड से जो है ना वो सोचता है, मीन्स उसके पास एक तो लॉजिकल माइंड होता है, ठीक है, माइंडसेट, ठीक है, उसके पास जो है ना एक इमोशनल ब्रेन होता है, ठीक है। अब कोई भी पर्सन है ना वो कोई भी डिसीजन लेता है तो वो अपने इमोशनल ब्रेन से लेता है, ठीक है, यानी आपको पहले मैंने वो भी एग्जांपल बताया कि अगर आप किसी भी सूट वाली दुकान में जाते हैं, कोई भी आप चीज परचेज करने जाते हैं, तो आप अपने इमोशनल ब्रेन से हमेशा फैसला लेते हैं, ठीक है, यानी आपके इमोशंस के साथ आपके इमोशंस को अगला बंदा कंट्रोल कर ले, ठीक है। इसी तरह आपने अपने प्रोस्पेक्ट के इमोशंस को कंट्रोल करना है, उसको समझना है कि यार ये बंदा क्या चीज चाह रहा है, ठीक है, इसने अपनी लाइफ के अंदर क्या चीज अचीव करनी, देन उसके हिसाब से आपने उससे जो है ना वो सॉल्यूशन देना है, ठीक है, वो इजीली आपके बिजनेस को ज्वाइन कर लेगा, ठीक है, इजीली आपके साथ जो है ना वो आपकी टीम का पार्ट बन जाएगा। आपने लोगों को बिजनेस कंसल्ट करना है, ठीक है, ये मींस ये नहीं है कि आपने सेल्समैन नहीं बन जाए, लोगों को चिमट जाना, आपने लोगों को कंसल्ट करना है, उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है, ठीक है। अब आपने ये चीज नोट की होगी कि दवाई बेचने वाले से ज्यादा पैसा दो जो दवाई को रिकमेंड कर रहे हैं, यानी जो डॉक्टर है वो ज्यादा पैसा कमाए, ठीक है, वो दवाई बेचे बगैर ही जो है ना वो अपनी फीस ले रहा है रिकमेंड करने की खाली, ठीक है। तो इसलिए हमें सेल्समैन नहीं बनना बल्कि हमें कंसल्टेंट बनना है, हमने लोगों को उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देना, ठीक है। अब वो जिस तरह डॉक्टर कंसल्ट करने की फीस ले रहा है, ठीक है, हर बिजनेस तब ही चलता है जब उसके अंदर आप लोगों को उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देते हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन कैसे देते हो, फॉर एग्जांपल आप लोगों को ये मसला था कि उनको अपने घर से बाहर जाना पड़ता था, प्रॉपर कन्वेंस का वेट करना पड़ता था, गाड़ी आ रही है, रिक्शा आ रहा है, ठीक है, बाइक आ रही है, वो उसे रोक रहे हैं, देन वो है ना अपनी कन्वेंस मतलब अरेंज करके, ठीक है, कोई भी पर्सन को रोक के, रिक्शा को रोक के, ठीक है, देन वो सफर पे जा रहे हैं। अब लोगों की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया गया, उबर निकाल दी, ठीक है। अब उबर से लोग घर बैठे जो है ना वो अपने फोन के ऊपर जो है ना वो उबर मंगवाते हैं, ठीक है, देन अपनी जहां पे भी उन्होंने जाना होता है वो जाते हैं और सुकून से अपने घर के बाहर आके उतर जाते हैं, ठीक है, यानी प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया, बिजनेस चल रहा है, ठीक है। उसके अलावा प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करके बिजनेस चलाया जाता है, फॉर एग्जांपल आप लोग जब भी आपके घर मेहमान आ जाता है, ठीक है, तो पहले आपको प्रॉपर जाना पड़ता था
आपकी ठीक है, अपना कोई भी चीज़ ऑर्डर करनी है आपने या कोई भी चीज़ लेके आनी मेहमान के लिए, शवारमा बर्गर या जो भी आपने कढ़ाई लेके आए, ठीक है, तो आपको पहले जाके बनवाने पड़ते थे, खड़ा होना पड़ता था, वेट करना पड़ता था, जाना पड़ता था रश के अंदर। अब फूड पांडा आ गया, मीन्स आप घर बैठे चीज़ देखते हैं, ये चीज़ मंगवानी है, ऑर्डर किया, सुकून से आपके घर चीज़ आ गई, यानी आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन दिया गया। तो इसीलिए आपने भी लोगों को उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है, यानी कोई पर्सन आपके साथ अटैच है वो आपको शेयर करता है कि यार मेरी फैमिली के अंदर हेल्थ इशूज़ हैं, ठीक है, तो आप उसको उससे रिलेटेड डील करो कि यार हमारी कंपनी जो है ना वो हेल्थ के रिलेटेड इसके अंदर प्रोडक्ट्स हैं, आप जब भी इसके साथ स्टार्टअप लोगे यानी शुरू करोगे तो आपको प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे, उससे आपकी जो हेल्थ केयर के इशू हैं आपकी फैमिली के अंदर वो भी क्लियर हो जाएंगे और आपका बिजनेस भी स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए जो किसी की प्रॉब्लम है ना आपने उसके हिसाब से उसको सोल्यूशन देना और इजीली उसे अपने बिजनेस के अंदर ले आना, ठीक है। इसी तरह आपको कहते हैं कि आपने लोगों को जो है ना वो बिजनेस को कंसल्ट करना है और आपने उनकी प्रॉब्लम्स का जो भी उनकी नीड है उसको आइडेंटिफाई करके उसका सिंपल सोल्यूशन देना है। आपने उनको जो है ना बताना है कि आप इस बिजनेस के अंदर अगर हजारों लोग करोड़ों लोग कमा रहे हैं, ठीक है, कमा सकते हैं, कमा रहे हैं, मैं कमा रहा हूं, ठीक है, तो आप भी कमा सकते हो, ठीक है, आपको सिखाएंगे, हम सारा बताएंगे, हम सारा इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे, आपको लेके चलेंगे, ठीक है, आपको सारे हमारे प्रॉपर सीनियर्स भी ट्रेनिंग करवाएंगे, हम भी आपको गाइड करेंगे, तो इंशाल्लाह आप कर सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं है। मेन नीड को आइडेंटिफाई कर लिए, देन अपने सीनियर से बात करवा दी थोड़ी बहुत, ठीक है, उसके बाद इजीली वो आपके साथ ज्वाइनिंग कर लेगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का ही पॉइंट अच्छा लगा होगा, ठीक है, और अगर आपको आज की चीज़ के अंदर या आज की वीडियो के अंदर कोई भी पॉइंट ऐसा लगा है, कोई भी चीज़ ऐसी लगी है जो आपको पता है कि यार ये चीज़ अच्छी है, ये पॉइंट अच्छा है, ये मेरे बिजनेस के अंदर काम आ सकता है, ठीक है, तो आप खुद भी इसे जो है ना वो अच्छे से इंप्लीमेंट करें, ठीक है, यानी इसको पहले देखें सुने देन इसके बाद इसे इंप्लीमेंट करें, ठीक है, सीख के। अब अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी है तो आप अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ या डोनर्स के ऐसे शेयर करें ताकि वो भी अपने बिजनेस को अच्छा कर सके, ठीक है। अब आपकी वजह से अगर किसी की मदद होगी भला होगा, ठीक है, हमारी वजह से किसी की मदद होगी भला होगा, तो वो जारी बात है अगर वो हमें दुआ दे उसका बिजनेस, हमारी वजह से कोई ऐसा पॉइंट हम बता दें कि जिसकी वजह से वो उसे इंप्लीमेंट करें और उसके उसके रिजल्ट आए, तो वो जारी बात हमें दुआ देगा, ठीक है। जब वो हमें दुआ देगा तो जारी बात हमें नहीं पता कि हमें किसकी दुआ लग जाए और हम कहाँ से कहाँ चले जाएँ, ठीक है। तो इसीलिए अच्छी नीयत के साथ इसे शेयर भी करें, ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर इसे लाइक कर देंगे, आपके लाइक से ना मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, मुझे पता चला कि यार अगर मैं आपको चीज़ सिखा रहा हूँ अपना प्रॉपर टाइम निकाल के अपना प्रॉपर एक्सपेरिमेंट जो भी आपको एक्सपीरियंसेस हैं हमारे वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है, तो आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं, ठीक है, तो आप इसको जरूर लाइक भी करें, ठीक है, और अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आएँ, ठीक है, तो लाजमी इसे सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर हिट कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बसानी टाइम टू टाइम पहुँचती रहें और देन आप नॉलेज कलेक्ट करके उसे इंप्लीमेंट करें और अच्छे से अच्छे रिजल्ट लें, ठीक है। तो विश यू ऑल गुड लक।